दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीएसटी की इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जीएसटी के सेक्शंस को अमेंड किया गया है और उन अमेंडमेंट्स का आप पर क्या इम्पैक्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे तो अभी आपके साथ रीसेंट वीडियो हमने शेयर की थी जहां पे ये नोटिफाई कर दिया गया है कि 23 24 के लिए भी आपकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग अप टू टू करोड़ वालों के लिए एग्जाम कर दी गई है तो चलिए वो चीज़ तो नोटिफाई हो गई थी अब हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर ट्वेंटी एट के अंदर एक मेज़र चेंज हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर यानी कि एक अक्टूबर दो हज़ार तेईस से तो प्रोविजन्स ऑफ सेक्शन वन थर्टी सेवन से लेकर के वन सिक्सटी टू तक के जो सेक्शंस हैं उनके प्रोविजन्स एप्लीकेबल हो जाएंगे लेकिन सेक्शन वन फोर्टी नाइन टू वन फिफ्टी फ़ोर जो सेक्शन हमारे 149 नाइन टू वन है उनके लिए जो डेट है वो फर्स्ट अक्टूबर नहीं होगी यानी कि 137 से 148 तक और उसके बाद 155 से 162 जो सेक्शन है उनके लिए फर्स्ट अक्टूबर की डेट होगी और एक अगस्त से अप्लाई होने जा रहे हैं द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149 फोर्टी नाइन टू वन जिनको ऊपर एक्सेप्ट किया गया था उस सेक्शन uh, जो है एक अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएंगे तो एक अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रही है सेक्शन 137 से लेकर के सेक्शन 148 तक तो चलिए अब इन सेक्शंस में एक मेजर जो चेंज आपके लिए आ रहा है सेक्शन 142 जो कि अमेंड कर रहा है सेक्शन 37 को सेक्शन 37 के अंदर आफ्टर सबसेक्शन फोर ये नया सबसेक्शन डाल दिया गया है रजिस्टर्ड परसन शैन नोट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सब सेक्शन वन फॉर अ टेक्स पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ थ्री इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सैड डिटेल्स तो इससे क्या होगा कि जी एस फाइलिंग का आप जो पीरियड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है थ्री ईयर्स के लिए ठीक है कब से मान लीजिए पर्टिकुलर मंथ की जो ड्यू डेट है आपकी जी एस की उस ड्यू डेट से लेकर के अगर हम बात करें किसी भी मंथ की अगस्त मंथ की अगर हम बात करें तो ग्यारह सितंबर आपकी ड्यू डेट है तो उस ड्यू डेट से थ्री इयर्स तक ही आप अपनी अगस्त मंथ की जीएसटीआर आर वन फाइल कर पाएंगे उसके बाद पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा इसी के साथ सेक्शन थर्टी नाइन के अंदर भी इवेंट हुई है जो बात करता है आपकी जी एस टी आर थ्री बी की आफ्टर सब सबसेक्शन टेन ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू तो फर्निश रिटर्न ऑफ टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सेड रिटर्न जिस भी मंथ की आपने थ्री वे फाइल नहीं की है उस मंथ की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से ये थ्री ईयर्स का जो समय है वो काउंट किया जाएगा और उस थ्री ईयर्स तक ही आप अपनी थ्री बी फाइल कर पाएंगे उसके बाद पोर्टल आपको थ्री बी फाइलिंग अलाउ नहीं करेगा तो ये इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं अब टाइमली अपनी रिटर्न्स को फाइल कर लिया कीजिए क्योंकि अब आपके लिए जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो चुके हैं आपकी थ्री बी और आपकी जी एस टी आर वन की ब्लॉकिंग स्टार्ट होने वाली है